भिंडी की कई रेसिपीज़ हम बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसन के साथ बनने वाली ये भिंडी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन वाली भिंडी, जिसमें बेसन की कोटिंग होती है भिंडी के ऊपर और वो क्रिस्पी लगते हैं खाने में। आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम भिंडी ले ली है और आधे इंच के टुकड़ों में काटने के बाद इसे बीच से इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे ऐड किया है मैंने धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, इसके साथ ही यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 छोटी चम्मच के करीब है। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब। अब डालेंगे इसमें हम भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी सी कोटिंग हो जाए भिंडी के ऊपर, और नमक हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक पैन गरम कर लिया है मैंने। इसमें ऐड किया है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, लेकिन अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर अच्छा ना लगे तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच अजवाइन। भिंडी की किसी भी सब्ज़ी में अजवाइन डालना बिल्कुल मत भूलें, उससे टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है। सबको अच्छी तरह से भून लेंगे हम, लगभग आधे मिनट में ये भून के तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसमें चुटकी भर के हींग ऐड कर देंगे, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। हींग को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो लगभग 5 से 6 सेकेंड के लिए इसे भून लिया है। अब हम भिंडी इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है, जिसे स्लिट कर लिया है। क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, तो मैंने 2 ऐड किया है। अब यहाँ पे ऐड किया है मैंने 3 चम्मच भर के बेसन, इसी स्टेज पे बेसन ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे कुक करना है, कवर करते हुए, ताकि बेसन अच्छी तरह से भुन जाए और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल के आए। तो यहाँ पर देखिए मिक्स कर लिया हमने, अब इसे कवर कर देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखिए। यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, अब फिर से एक बार मिक्स करेंगे। इससे पहले इसमें नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमने भिंडी को भून लिया है तो उसमें जो लसलसापन होता है वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद नमक ऐड करेंगे तो भिंडी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है हमने और जैसे ही बेसन भून जाएगा आप देखेंगे इसकी अच्छी सी कोटिंग आएगी भिंडी के ऊपर। फिर से कवर कर देते हैं, लगभग 2 मिनट मैंने इसे और कवर किया था। कवर हटा के इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल जो सेपरेट हुआ है उसमें थोड़ा सा झाग बन रहा है, जो कि साइन है कि बेसन आपका अच्छी तरह से भून चुका है। लगभग 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे कवर करते हुए पकाया है और नज़दीक से मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ। बेसन अच्छी तरह से कोट हो चुका है भिंडियों के ऊपर और भिंडी भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। कलर इसने बिल्कुल लूज़ नहीं किया है, अगर आप नमक बाद में ऐड करते हैं तो भिंडी का कलर वैसा ही बना रहेगा, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे जो इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डाला है मैंने 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी खटास इसमें ज़रूरी होती है, उससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इनहेंस होकर आता है। तो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच। मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे लगभग आधे मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह से भिंडी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे इसे कवर कर दिया है, तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद कवर हटाने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेसन वाली भिंडी तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे पराठे, पूरी या फिर दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है, ठंडी होने के बाद भी ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, ये बेसन वाली भिंडी की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक्स पर क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।